जय हिंद साथियों, आप सभी को पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग नाउन का जो एक्सरसाइज होने वाला है, एक्सरसाइज 4 करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 तक देख लिया था, ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा था। और सभी को भी फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। सभी को राम राम, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अभी कोई इस सेशन को शेयर करो दोस्तों, सेशन को क्या करो, शेयर करो। सेशन को शेयर करोगे ना, हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे पास जो अभी स्टूडेंट है ना, एक्चुअल वो पढ़ना चाहते हैं, जुनून के साथ आए हैं। और हम लोग एक्सरसाइज, साथियों हम एक्सरसाइज 4 पढ़ने वाले हैं। सभी का कमेंट देख लो एक बार, थोड़ा जल्दी जल्दी सबको क्या। चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब बढ़िया, राम राम भाई जी। चलो अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा आप लोग कमेंट आ रहा है, ठीक है। देखो सब पढ़ने के हवाले हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 4 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग 4 करेंगे जो कि आपका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से होने, उसका नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। समझ रहे हो साथियों, सभी कोई समझ रहे हो, मेरी आवाज़ें सबके पास क्लियर जा रही है ना, कमेंट करके मुझे सभी को बताना, ठीक है। चलो हम लोग एक्सरसाइज 4 के पढ़ेंगे। और इसमें केयर, देखो ये वाला बुक सभी को ले लेना, ठीक है। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आर के सिन्हा का है और लुसेंट का भी आता है, प्रकाशन का ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। देखो हम लोग आज क्वेश्चन सिर्फ इसमें आंसर नहीं आता, आंसर यहाँ मिलेंगे, हम करवाएंगे एक्चुअली। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिक आउट द नाउन, कह रहा है पिक आउट द नाउन फ्लोइंग सेंटेंसेस से वेदर दे आर प्रॉपर कॉन्चेबल एंड अनकम्फर्टेबल। कह रहा है कि वैसा वैसा नाउन को छाटिए जो प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्चेबल होना चाहिए एंड अनकाउंटेबल होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपका 4 है, ठीक है साथियों, 4। इसके पहले के 3 एक्सरसाइज मैं करवा दिया हूँ, जा करके पहले देख लेना। जो बंदे, जो विद्यार्थी नहीं देखे, जो पहली बार लाइव में जुड़ रहे हैं, जो पहली बार लाइव क्लासेस में जुड़ रहे हैं, वो ए सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। बहुत खूब बहुत खूब, लोग स्टार्ट करने, बताओ क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी बताओ आप सब साथियों, आपकी हम कमेंट का वेट कर रहे हैं साथियों। हम बहुत अच्छे, बहुत 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 खूब भाई, 30 लड़के से काम नहीं चलेंगे भाई, जोश लाओ, एनर्जी लाओ, 30 लड़के से क्या होंगे, जल्दी जल्दी करो। चलो मैं तब तक कुछ बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, द काउ इज एन एनिमल, कह रहा है पहला क्वेश्चन से आपका, हम उसको हम बातें करेंगे आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है आपसे। द काउ इज एन एनिमल, एन एनिमल। और एक खुशखबरी बता दो साथियों, बहुत जल्द, वेरी सून, ठीक है, हमारे जो टीम है वो आपकी क्लास 9 की इंग्लिश स्टार्ट करेगी, ठीक है। यानी मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक टीम को डिसाइड कर रहे हैं, कोई इसकी चार्जेस नहीं लगेंगे। उसकी टोटल जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके वीवीआई क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ इनबिल्ट रहेंगे। और साथ ही साथ बुक को तो पढ़ाएंगी, एक्सप्लेनेशन करेंगी, साथ ही साथ उसके रूल को भी हम लोग चर्चा वहाँ पर करेंगे। फटाफट सेशन को साथ ही शेयर करो, ठीक है भाई। कुछ लड़के तो ऐसे हैं ना, सिर्फ यहाँ पर हाई बाई करने आते हैं, ऐसे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे हैं, हाई बाई सिर्फ करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको रूल बताया था, पहले तो नाउन पहचानना सीखो, पहले क्या सीखो। और देखो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है एक्सरसाइज 4, इसके बाद आप कमेंट करना मैं नंबर पढ़ाऊँगा या प्रोनाउन में चलूँगा, क्योंकि नंबर जो होता है, नंबर सीख जाओगे तो फिर सेंटेंस के अरेंजमेंट करना आ जाएगा, और प्रोनाउन भी नीडेड होता है। बताना मुझे कौन से स्टार्ट करूँगा इसके पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा, चैप्टर होगा, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम यहाँ पर पहचानना सीखेंगे नाउन, ठीक है। आप लोग बताओ इसमें कौन कौन सा नाउन है, जल्दी बताओ, जल्दी, कम ऑन, बहुत खूब बहुत खूब, तो जल्दी जल्दी बताओ साथी, यहाँ पे नाउन कौन सा है बताओ, ये आपका द नाउन है, ये नाउन है, मैं नाउन तो पहचानो साथियों, पहले तो आपको नाउन होना चाहिए पहचाने, तभी तो प्रॉपर छाड़ सकते हो, तभी तो कमन। देखो कमन कलेक्टिव में दिक्कत नहीं लेना, देखो यहाँ पर डबल हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ऐसे है ना, बहुत साफ लिखना पड़ेगा। कॉमन, देखो कॉमन में आपका आ जाता है साथी, देखो कौन कौन सा कैसे बताता हूँ आपको, कॉमन, गलती लिखा गया, कॉमन एंड कलेक्टिव,
ये countable में आते हैं मैं साथियों, countable में, ठीक है, ये किसी में आते हैं साथियों, countable में। और देखो आपका material, material एंड abstract, ये जो आते हैं साथियों material एंड abstract किस में आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। बताओ ये समझ गई कि नहीं साथियों, ये समझ में आया कि नहीं, किस किस को समझ में नहीं आया बताओ, जल्दी बताओ। कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल में जाएगा, मैटेरियल मैटेरियल अनअबस्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल में जाएगा, किस किस को समझ में आएगा जल्दी जल्दी बताओ साथियों। मैं तब तक वाचर ले लेता हूँ, सभी का कमेंट देख रहा हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी फास्ट, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे बताया कि मुझे समझ में आई। देखो अप्रोपर को अलग छाटना, देखो बुक के हिसाब से बाइक भी तो प्रोपर नाम भी होता है, उसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो भी अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक वी हैव टू गो, मैं बुक के अनुसार चलना होगा, ठीक है। तो कॉमन एंड कलेक्टिव को काउंटेबल में रखेंगे, मैटेरियल एंड अबस्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल में। यहाँ तक किसी को परेशानी है भाई साथियों, किसी को परेशानी है किसी तरह की, किसी को नहीं है ना साथियों, बताओ किसी को परेशानी है तो भाई एक भी डाउट नहीं रहने चाहिए, सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। इसे करते हैं हम लोग रद्द, भाई कमेंट करना जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, फटाफट कमेंट करना साथियों, ऐसे एक भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए तो ये चीज़ें सारे नहीं समझ में आए, ठीक है, सारे को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से आना चाहिए। चलो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर नाउन देखो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो आपका काउ नाउन है, यहाँ पे काउ दिखाई दे, ये भी नाउन है, ये एक एनिमल नाउन है। अब बताओ मैंने कैसे पहचाना, मुझे पता ही नहीं होता कि काउ नाउन है, कैसे पहचानता सेंटेंस में भाई, ऐसा तो मुझे पता है कि काउ गाय नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, एनिमल भी कॉमन नाउन होता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता और सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जो मुझे पता ही नहीं कोई नाउन है क्या, सेंटेंस में कैसे पहचानता, देखो कैसे पहचानता, पहले ये सीख लो फिर आपको कॉमन सॉरी प्रॉपर और अनकाउंटेबल काउंटेबल करवा दूंगा। सबसे पहले ये जो आर्टिकल द है, समझना आर्टिकल द है, ये जब भी आएगा, जब भी आएगा तो अपने साथ नाउन लेगा, आर्टिकल है, आर्टिकल लगा है तो नाउन लेगा ही लेगा। देखो यहाँ भी आर्टिकल लगा था तो नाउन लेगा ही लेगा, समझ गए, मैं कह ये रहूँ कि अगर आर्टिकल आता है भाई, आर्टिकल आ रहा है तो वहाँ नाउन होगा, देखो आर्टिकल है तो नाउन लेगा, तो यहाँ का काउ भी क्या आपका नाउन, यहाँ भी आर्टिकल था एनिमल है भाई। हर वीडियो में अलग अलग तरह से मैं आपको सिखाता हूँ, अलग अलग एंगल से सोचवाता हूँ ताकि आप बेहतर कर पाओ अपनी ज़िंदगी, सिर्फ रट्टा नहीं मारो, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, रट्टा रटवा रटवा दूँ मैं आपको कि काऊ आपका जो होता है साथियों कॉमन नाउन होता है, रट के कुछ कर पाओगे क्या, रट्टू नहीं बनना आपको, रट्टू बनने से काम नहीं चला, वो जमाना गया रट्टू वाला, देखिए आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, आपके इस बेस पे काम करना होगा, समझ लो ना। अब डायरेक्टली मैं क्या करूँ, ईंट के नीचे सीमेंट लगाऊँ नहीं और ईंट को मैं जोड़ दूँ, वो गया मिट्टी से जोड़ने वाला जमाना गया, अब सीमेंटे चाहिए, सीमेंटा में भी मजबूत वाला, आपको बेस पे काम करना होगा, समझ रहे हो ना, बेस पे काम करना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि काहो क्या है, आप सेंटेंस में देखोगे क्यों पहचान लोगे, समझ रहे हो, कैसे आप जाते हो किसी को झपट के खींच लेते हो ना, वैसे यहाँ पे नाउन पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस काऊ है नहीं पास, समझ में नहीं आ रहा सर क्या है, लेकिन मुझे पता है आर्टिकल द ए एन होता है, और जब भी आर्टिकल आता है साथियों तो अपने साथ नाउन देता, अब नाउन में कैसा लगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा, सिंगुलर नाउन नहीं सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, समझ लो ना, प्लूरल काउंटेबल भी रहता है लेकिन वो किसके साथ लगेगा, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द, यहाँ देखो काउ, अब पता ना काउ काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल की प्रॉपर, इन हमको छटना ना, बुक क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको प्रॉपर नाउन को फाइंड करना है, काउंटेबल नाउन को फाइन करना है, अनकाउंटेबल, सभी को बताओ ये काउ कैसा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, जल्दी एकदम हुड़ी अब भाई, वेट नहीं करूँगा। चलो देखो ये जो काउ आपका है, काउ को गिन सकते हो ना साथ,
मुझे बताओ, काउ को गिन सकते हो ना, गाय को नहीं गिन सकते सर। गाय अपने गाँव घर के आस गिन सकते हो ना, एक काउंटेबल होता है, गिनने की जरूरत पड़ती है ना। हम लोग कहते हैं हमारे गाँव में 5 गो गाय है, एक काली है, एक उजली है, एक वो बोलते हैं ना ब्राउन कलर की, ऐसे ऐसे काय होते। तो काऊ को भी हम लोग गिनते हैं ना। काऊ क्या हो जाएगा साथियों? काउंटेबल नाउन हो, समझ रहे हो ना साथियों? ऐसे हो जाएंगे, एक काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। समझ में सबको आ गया? आ जाओ, हमने एक जगह और फाइल किया कि ये भी नाउन है, एनिमल यानी कि जानवर। देखो ये भी एनिमल भाई, डॉग को भी एनिमल बोलेंगे, कैट को भी एनिमल बोलेंगे, रैट भाई आपके शर्ट काट देते हो, अरे भाई बहुत सारे पैंट काटे हैं रैट ने, ये बता रहा हूँ, तो रैट को भी एनिमल बोलेंगे। सभी को अपने अपने बताना भाई, ये हो सकते हैं ना एनिमल के, ये एनिमल ही होते हैं ना, रैट एनिमल होता है, कैट एनिमल होता है, और क्या होता है, डॉग होता है, गॉट होता है, काऊ होता है, बफेलो होता है, ऑक्स होता है, एनिमल में आपका और क्या आ सकता है, टाइगर लायन, ये सब तो एनिमल ही है ना, तो एनिमल को गिन नहीं सकते हो आप। भाई गांव में कुत्ते होते हैं, कहते हैं ना 5-6 कुत्ते हमारे गांव में यार बहुत भौंकते हैं, तो आप एनिमल को काउंट कर सकते हो, गिनने की जरूरत पड़ती है आपको। कहीं ना कहीं आप बातें करते हो तो कहते हो कि मेरे गांव ऐसा, देखो रोपन उनको नहीं गिनने की जरूरत पड़ती, ऐसा थोड़ी कहते हो मेरे गाँव में ऐसा ऐसा सी है, ऐसा सी हो, नहीं वो टोला अलग हो गया, लेकिन कुत्ते को गिनने की हमें जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो ना। ये जो एनिमल हो जाएगा ये भी आपके साथ काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को परेशानी है जल्दी जल्दी कमेंट करो साथियों, किसी के नहीं है ना, किसी का नहीं है ना भाई, बताओ क्वेश्चन वन में जो है आपको किसी को परेशानी है? नहीं है, आ जाओ मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, मैं नहीं प्रोसीड दिस आगे बढ़ सकता हूँ। ओके आ जाओ, बहुत अच्छी बात सीख गए तुम। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ये डॉग हैज 4 लेग्स, डॉग हैज 4 लेग्स, dog has 4 legs। देखो डिफरेंस समझो, एक चीज समझो डिफरेंस, मैं एक चीज को बता रहा हूँ डिफरेंस समझो, यहाँ पे यहाँ पहले बता देता हूँ, पहले समझो FOR FOUR। देखो जब इसे बोलोगे ना इस वाले को four, समझ रहे ना, जल्दी से बोलेगा फोर, ना ये बातें को देखना है, ठीक है। दोनों फॉर ही होते हैं लेकिन डिफरेंस करता है आपके साउंड के ऊपर। चलो आ जाओ, यहाँ भी देखो आर्टिकल है तो इसके बाद कोई ना कोई एक नाउन आएगा, क्या होगा नाउन आएगा, उसके बाद ये वाला वर्ड हमारा नाउन है। आ जाओ फोर क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है उसे एडजेक्टिव का। बताओ यहाँ पे लेख आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहा? नहीं, फिर बचेगा कौन, क्या बच जाएगा? नाउन ही तो कहलाएगा ना। ये जो लेग है साथियों, आपको लेग दिखाई दे रहा है, ये तो ये लेग है तो लेग आपका नाउन ही बचेगा ना, जब प्रोनाउन नहीं है तो, क्योंकि फोर आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आप नंबर की बता रहे हैं, पर क्वांटिटी अलग होता है जो अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन नंबर को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, इसकी नंबर को शो। जब एडजेक्टिव किसी भी एडजेक्टिव वर्ड होता है, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। बताओ यहाँ पे जब ये एडजेक्टिव है तो अपने साथ कोई नाउन लेगा ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो लेग्स भी है आपका नाउन है। अब हमें यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसी की दिक्कत है नाउन पहचानने में? नहीं है। आ जाओ देखो ये जो डॉग्स हैं, अभी बताया मैंने डॉग्स को गिन सकते हो, एग्जाम्पल से बताया ना कि सबको क्लियर है ना, डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि लास्ट सेशन है और लास्ट सेशन के बाद बता रहे साथियों सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, एक भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप इंग्लिश में फंसना नहीं है और रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना, ठीक है। आज रटने वाला जगह मैं बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करने पड़ते हैं, ठीक है, सारे चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ट नहीं होते, कुछ चीज़ों को, लेकिन हर जगह आपको समझते चलना। देखो आर्टिकल था तो नाउन था, एडजेक्टिव था तो नाउन था, अब बताना डॉग को गिन सकते हो? कमेंट करके बताओ साथ, गिन सकते हो ना आप, समझ पा रहे हो ना मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ? डॉग को गिन सकते हो आप साथियों, डॉग को गिन सकते हो, ये भी क्या हो जाएगा साथियों आपका काउंटेबल हो जाएगा, हो जाएगा साथियों काउंटेबल हो जाएगा। अब बताओ अगर ये लेग को गिनते नहीं तो बताता कैसे, तो 4 पैर है उसके, राइट,
हमारे पास दो पैर है ना, गिन पाते हो ना? ऐसे थोड़ी कोई ऐसा बंदा हो कि अपने पैर ही ना गिन पाता हो, गिनने की जरूरत पड़ती है ना। आई हैव टू लेग्स, अब जिसकी पैर कट ही चुकी हो तो कहेगा ना आई हैव ए लेग, वन नहीं बोला, आई हैव ए लेग, आई हैव वन लेग। जैसे आप चिकन खाते हो तो चिकन साथ ही खाते होगा, अगर तो मैं बताता हूँ, कहते ना कि मुझे लेग पीस देना, वन लेग पीस देना, जाते हो दुकान पर खरीदने वहाँ पर, अपना भैया मुझे टू लेग पीस चाहिए, ठीक है? तो लेग पीस को आप लेग को गिनते हो, लेग को काउंट करने की जरूरत पड़ती है आपको इस जगह सिचुएशन के अनुसार। यहाँ लेग भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है साथियों? मतलब ना लेग भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को, और साथियों अपने अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? डाउट्स रहेंगे ना फिर तो बहुत दिक्कत रहेंगे, क्योंकि नाउन का इंग्लिश का बताओ ना मेरी बस चले तो नाउन 50% ग्राम, नाउन पढ़ लिया जो व्यक्ति ना उसकी 50% कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर के ख़त्म हो जाने, समझ लो ना, क्योंकि नाउन ही आपके सब्जेक्ट होते, नाउन ही आपके किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होते, ठीक है? और कभी कभी नाउन ही आपके किसी सेंटेंस का कंप्लीमेंट होते, यहाँ तक किसी को नहीं होने, समझ रहे हो ना? आ जाओ अब किससे मतलब, क्योंकि यही चीज़ होती है तो बच किया जाता है साथ ही प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहीं से कहीं यूज होता है बड़े बड़े सेंटेंस में, जब जब मैगजीन विजिन पेपर में बच किया जाए कंजक्शन जो कि आपके कभी से कभी यूज होते हैं बड़े बड़े सेंटेंस यूज करते तब, और बच रहा आर्टिकल, आर्टिकल तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, नाउन के बाद जस्ट पढ़ोगे आर्टिकल, छोटी मोटी चीज़ें उसके बाद बच जाता है, जो नाउन ही सारी चीज़ों को कवर करता है, बचता है एक भर्ब, नाउन के बाद जो एक आता है बड़ा चैप्टर वो वर्ब है, तो वर्ब में ही टेंस पढ़ना होता है, वर्ब में ही वॉइस पढ़ना होता है, वर्ब में डिग्री भी आती है, वर्ब में ही आपके नरेशन डिग्री वॉइस टेंस ये सारे चीज़ वर्ब में आते हैं, क्योंकि वो वर्ब का ही खेल तो है टेंस, क्या करते हो वी1 वी2 अब कहीं तो खेल है वो चीज़ हो। आज और थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, राम इस स्कूल का क्या है विद्यार्थी है, राम इज द स्टूडेंट, राम इज द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, कह रहा है कि राम इज द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। अब मुझे बताना यहाँ पर आर्टिकल द क्यों लगा, ये भी इस कंसेप्ट सीख बताते चलूँगा ना, सब कुछ समझाते चलूँगा, यहाँ पर आर्टिकल द क्यों लगा, अगर द है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है द है इसके बाद नाउन आएगा। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा दिमाग लगाएगा कि ही इज ए गुड बॉय तो ये लगा है तो गुड नाउन है, नहीं बताया शुरुआत में कि जो आर्टिकल होता है नाउन के लिए आता है, लेकिन उसकी पोजीशन मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है कि पोजीशन उसका कैसा होता है, तो उस वीडियो को भी देखने आपको लगा पोजीशन वहाँ सीखना है कैसे कैसे किस सेंटेंस का यूज करना, ठीक है? यहाँ समझना एक और कंसेप्ट, जब भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, देखो यहाँ देखो कौन इस स्कूल का विद्यार्थी है, जैसे मैंने यहाँ पे इज में हु लगाया, क्या लगाऊंगा हु, ये वर्ड हु लगाऊंगा, क्या हु मतलब होता है कौन या किसने, क्या होता है साथियों कौन या किसने, कौन या किसने, हु कहीं भी होता है कौन या किसने, समझ लो ना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लगाऊंगा कौन इस स्कूल का विद्यार्थी है, हु का मतलब कौन, तो राम इसका जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट, जो भारत में आप फूल लगाकर जब क्वेश्चन करते हो जब उससे प्रश्न पूछते हो और जो उसका आंसर आता है ना साथ, जो उसका आंसर आता है आपका तो वही तो सब्जेक्ट होता है, और हमने हमने सीखा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या तो सिमिलर टू नाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। साथियों अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप इसके सीरीज वाला शुरू से वीडियो देखो, क्योंकि जब तक एक चीज़ समझना भाई आपके पाँचवें सीरीज पर पहुँचने के लिए आपको पहले सीरीज दूसरे सीरीज तीसरी सीरीज को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली जंप करोगे अगर कहीं फिसल गए तो पैर हाथ टूट जाएंगे। उसी तरह इंग्लिश ग्रामर है आपको इंग्लिश ग्रामर में सिक्वेंस वाइज आना होगा, अगर आप सोचोगे शॉर्टकट अपनाएं ये नहीं समझ लो ना आपके साथ क्या हो सकता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा साथियों, तो आपको एक एक सिक्वेंस समझना, आप उसको जो टाइम मिले जब भी जा करके आप उसे पहले देखो पिछले वाले वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जैसे ही आप इज में हु लगाते हैं जो क्वेश्चन करते हो जो आंसर आता है वही आपका क्या होता है सब्जेक्ट, और मैंने सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। आ जाओ एक चीज़ और भी बताया हूँ, ये जो ऑफ है तो ऑफ के बाद यानी कि ऑफ के दाहिने साइड राइट साइड समझ रहे हो ना,
मेरे पढ़े लिखे हुए को राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है दाहिने साइड, ठीक है। तो राइट साइड जब भी जो वर्ड आता है हमेशा उसके बाद नाउन आएगा। अब बताना यहाँ पे स्कूल नाउन है ना, साथी समझदार हो तो बताओ, आपके पास थोड़े बहुत भी अक्कल होंगे तो बताओ। ये दिस आपका एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है, प्लेस की क्वालिटी को बता रहा है, दिस स्कूल प्लेस बता रहे हैं, एडजेक्टिव और प्लेस बता रहे हैं। लेकिन स्कूल यहाँ पर नाउन है ना साथियों, समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑफ के राइट से जब भी आएगा लिख करके लिख लो, कहीं भी लिख लो साथियों, वो नाउन आएगा। अब देखो ऑफ के पहले या तो वर्ब आ सकता है, समझ रहे साथियों। कमेंट देख रहा हूँ, फालतू के कमेंट मत किया करो, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़ जाते हैं जो फालतू के कमेंट करते हैं यार। मतलब कॉन्सेप्ट सीखो और बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाओ, और इन सब चीज़ों में बता रहा हूँ ना, मैं सही बता रहा हूँ। देखो मैं बताऊँगा इसको, ऑफलाइन की बातें कर दूँ मैं, सॉरी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म की बात करूँ, अभी तक जो है मेरे और कुछ एक दो मेरे फ्रेंड है, कोई नहीं बताया इतने डिटेल्स में। पूरे यूट्यूब खोल लेना, ये जो बुक है ना, जो बुक में पढ़ा लेना, पूरे यूट्यूब खोल लेना। सिर्फ आते हैं कहते हैं बाबू काऊ अनकाउंटेबल, काऊ काउंटेबल है, एनिमल भी काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ऐसे ही करके चले जाते हैं। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सच में वाकई में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। आपके घर में छोटे भाई है ना, उन्हें भी बताइए कि देखो यहाँ से वीडियो सीखो, बच्चा बच्चा भी सीख सकता है साथियों। ऐसा नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ा बहुत खास चीज़ नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, एकदम लुल्लू है, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे है। एक एक चीज़ पर काम करोगे ना बहुत आसान होता है, क्योंकि मुझे बताना हिंदी बोलने के लिए आप कहीं सीखने गए हो, हिंदी बोलने के लिए आज तक कहीं सीखने गए भाई, बोल पा रहे हो ना, समझ पाती हो ना, तो उसी तरह इंग्लिश है, आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जब आप अपने आप पर क्रांति पैदा करोगे, आप अपने आसपास के माहौल को क्रिएट करोगे, समझ रहे हो ना, तो माहौल बना हुआ ऐसा, और बढ़िया तरीके से जो बताया जा रहा है उसे समझने की प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि साथियों यही लाइफ होती है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अगर अभी नहीं सीख पाओगे, जब छोटी मुसीबतों का आप सॉल्व नहीं कर पाते हो ना, तो समय बीतते बीतते ये मुसीबत बहुत बड़े हो जाएंगे, और तब उसे आप और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तभी जाकर लाइफ में डिप्रेशन आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखो, कहीं भी आप जाओ, कभी बड़े लेवल पढ़ाई करो, तो आपको दिक्कत ना हो, आसानी से फाइंड कर लो। अच्छा जी, सर ने बताया था कि ऑफ के जब राइट साइड आता है वो नाउन ही होता है, ये तो रहा ना साथियों, समझ के चलो। अब देखो ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब सिर्फ ऑफ नहीं, प्रीपोजिशन, बोला मैंने प्रीपोजिशन का लेफ्ट साइड में या तो नाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, समझ लो नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब। अब तीनों के कितने परसेंट चांस है, नाउन भी 33%, एडजेक्टिव भी 33% और वर्ब भी 33%, इन तीनों की संभावना है यहाँ पे आने की। जहाँ तक किसी को दिक्कत हो फटाफट मुझे बताओ साथियों, अब बताओ मुझे, आप सबकी कमेंट देखूंगा मैं, बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना। ऑफ के राइट साइड, ऑफ के राइट साइड में जो होगा वर्ड वो नाउन ही होगा भाई, एडजेक्टिव नाउन में क्वालिफाई करता है, ये इस वर्ड को मत चले जाना, ठीक है, पहली बात समझो। और नहीं समझ में आता तो शुरू की क्लासेस देखो, समझ में आएंगे। अदरवाइज यहाँ से भी नहीं समझ में आता, जब डाउट सेशन करो ना, तो डाउट सेशन पे आके ज्वाइन करो, तो डाउट सेशन में आपको सारा डाउट बताया जाएगा, चल जाओ। और मैंने बताया कि आर्टिकल द लगा होगा, उसके बाद भी नाउन, यहाँ पे समझो ऑफ के पहले नाउन आता है, वर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है। देखो स्टूडेंट, विद्यार्थी, स्टूडेंट हिंदी क्या होता है, विद्यार्थी। और बताओ विद्यार्थी भाई किसी का तो नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है ना, समथिंग का, ये तो नाउन हो जाएगा ना फिर आपका, समझ लो ना। तो इस तरह से आप नाउन को पहचानने की प्रयास करो, सब्जेक्ट के तरीके से पहचान सकते हो या तो ऑब्जेक्ट की तरह पहचान सकते हो। भाई भाई यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आओ, चीज के पास आओ, अब पहचानने में कैसे, यहाँ पर लगा विच, समझ लो ना, कौन सा स्कूल का विद्यार्थी है, कौन सा स्कूल का, सॉरी कौन विद्यार्थी है, मतलब समझ लगाओगे ना ऐसे, कौन विद्यार्थी है, तो राम हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे लगाओगे क्या, मतलब विच, कौन सा था इस स्कूल का विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी है तो इस स्कूल का, तो पूछते ना कौन सा लड़का है, तो कहते ना इस गांव का लड़का है। जैसे आप विच लगाओगे, विच तो आपका आंसर जो मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी पहचान सकते हो साथियों। ऑब्जेक्ट आपका नाउन, तो बहुत तरीके हैं, फोकस करना पड़ेगा आपको सीखने के ऊपर। अगर आप फोकस नहीं करोगे ना, तो मैं तो क्या
साथियों कोई नहीं बता सकता, अगर आप अपने आप पे मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आप ही हो जो आप खुद को अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो, कोई नहीं करवा सकता साथियों। सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने यहाँ पे हिलाया और आपको लेकर के एक ही बार में इंजेक्शन दे दिया या दवा दे दिया, पीते रहो सीख जाओ, नहीं है। आपके यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ राम, ये व्यक्ति का किसी चीज का ये अपने आप में राम यूनिक है, राम है अपने आप में यूनिक है। कि व्यक्ति का किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी इंडिविजुअल के लिए आया, किसी एक के लिए आया, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा राम। ये राम जो बात किया गया उनमें से राम, बहुत सारे वहाँ पर लड़के होंगे उनमें से एक राम की बात की गई, ये राम जो हो जाएगा आपका तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही हो, किसी को दिक्कत हो रहा हो साथियों, तो मुझे बताना, बताओ साथियों किसी को दिक्कत हो रहे हो मुझे बताते रहना, ठीक है। ये जो आपका राम है प्रॉपर हो जाएंगे। अब आ जाओ स्टूडेंट साथियों, स्टूडेंट अब बताओ, स्टूडेंट आपका कौन सा होंगे, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो साथियों जल्दी। साथियों आपको जो स्टूडेंट वर्ड है ना, स्टूडेंट ये आपका गिन सकते हो ना, विद्यार्थियों को गिन सकते हो ना भाई, क्लास में आपके 10 विद्यार्थियों का था ना कि इन आवर क्लास, तो 10 हमारे क्लास में कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, 15 लड़के हैं, मतलब बोलते हो ना, वो जो उसे काउंट कर सकते हो, ये काउंट करने की जरूरत पड़ती है, क्या साथियों काउंटेबल हो जाएगा, समझ रहे हो, ये जो विद्यार्थी आपका काउंटेबल हो जाएगा। अब बच रहा है स्कूल, ऐसा कोई बंदा है बताना जो स्कूल को नहीं काउंट कर सकता, चार गामा गाँव में सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल दो गो है, जो नामियर है दो गो स्कूल, दो काउंट कर रहे हो उसे, क्योंकि स्कूल भी क्या हो जाएगा साथियों काउंटेबल हो जाएगा। अब बताओ साथियों, कमेंट करो, सबकी कमेंट देखूंगा, समझ में यहाँ तक आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना, चलो तो नोट डाउन करो, तब तक मैं सबकी कमेंट पढ़ लेता हूँ। एक बंदा कर रहा है कि सर आप वीडियो की लेंथ बड़े करो, मैराथन क्लासेस बहुत सारे मैराथन क्लासेस लगेंगे, टेंशन ना लो, ओके ओके नोट डाउन करो, इसे नोट करो, ठीक है, मैं तब तक के लिए साइड हूँ, आप नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, एक मैं वाटर ले, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट सेशन है और सारे के जो सीख के चलना है, ठीक है, क्योंकि सीखोगे नहीं फिर काम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी करो साथी, जल्दी कीप इट फास्ट, बहुत खूब। चलो चैटिंग बाद में करना साथियों, ये पढ़ाई पे ध्यान दिले छोटे, चलो बहुत खूब बहुत। चलो आज हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी, ये फोर और फोर मंथ समझे ना, समझ रहे ना, किसी की भी डाउट रहे ना भाई, अपने डाउट पूछते रहना, ठीक है। और चैटिंग आप लोग करते हो ना, अपने में चैटिंग ना किया करो, क्वेश्चन से रिलेटेड चैटिंग किया करो। और एक बात, ये सारी चीज़ का नोट्स बनाना साथियों, सारी चीज़ का नोट्स बनाना, क्योंकि टेस्ट लूँगा, मतलब टेस्ट भी इनके हो गए, ऐसा नहीं कि पढ़ा करके आपको छोड़ दे देंगे, इनके टेस्ट भी हो गए आपके लिए, ठीक है। और जो जो टेस्ट में टॉपर करेगा ना, उनके हम सारे की भाई नाम लिया करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए कह रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मुंबई इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया, वाह मुंबई का नाम, कौन कौन जाना चाहता है भाई मुंबई, फोर्थ नंबर कह रहा है मुंबई इज भाई इज अ बिग, मुंबई इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया, बताओ मुंबई इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा बताना किस किस को भी ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है, बताओ साथियों किस किस को हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करने में बहुत दिक्कत होता है, या हिंदी से इंग्लिश करने में बहुत दिक्कत होता है साथियों, उसकी भी क्लासेस कहोगे ला दूंगा यहाँ पर, समझो हिंदी करने की समझा देता हूँ भाई, थोड़ा माइंड में आगे देखो, ये जो इज है ना, इज को ऐसे ऐसे, अब इज के लेफ्ट साइड जो हिंदी बता दे रहा हूँ साथियों बताना, अगर कंसेप्ट समझ में आया ना डिटेल्स कर लाऊंगा, ये जो तीर लगा दिए, ठीक है, तीर को पीछे मैं खींचूँ,
क्योंकि तीर को चलाने के लिए पीछे खींचना पड़ता, समझ रहे हो ना। जब एक तीर को देखो, जब वो देखे होगा ना, तीर को चलाने के लिए जब आगे जाने के लिए उसको पीछे खींचते हैं ना, उसको रबट लगा करके, तभी तो वो आगे की ओर जाता है। पहले उसको पीछे खींचो, इस जो तीर है, हमने तीर लगाया, इस तीर को ऐसे किया कि हम पीछे की ओर बढ़ेंगे और इसे एक नंबर दे दें, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कनेक्टर वो समझना पड़ेगा, लेकिन समझो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, कनेक्टर को देखना है, समझ जाओ। अब देखो, अब जब तीर चला दिए हो तो डायरेक्टली जब यहाँ से तीर जब पीछे खींचे तो वो डायरेक्टली जाकर लास्ट पॉइंट पर रुकेगा, लास्ट पॉइंट पर जाकर लगेगा ना अपना, जहाँ उसका निशाना लगाएगा वहाँ जाकर लगेगा ना, कमेंट बताओ, कमेंट करके लगेगा ना। जैसे ही इस तीर को मैंने पीछे की ओर खींचा और ये तीर निकलते हुए स्पीड में जाएगा और जाकर यहाँ पे आकर रुक जाएगा, यहाँ पे आया, इसे एक नंबर दिए, इसे दो नंबर। अब देखो हमने पीछे से काउंट करते आएंगे, फिर इसको हम लोग देंगे तीन नंबर। देखो बिग एडजेक्टिव है, इसे एक ही में रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएगा चार नंबर, ये हो जाएगा आपका पाँच नंबर। क्योंकि जो भी सब जो घर का मालिक होता है, जो तीर छोड़ता है, जो घर का जब भोज भंडारा कराते हो, घर का मालिक जो होता है लास्ट में खाता है ना। अरे यार, भोज में तो नहीं खाए हो शादियों में? भाई जो घर की मालिक होते हैं वो लास्ट में खाना खाते हैं, इसीलिए उनको लास्ट में प्रसाद दिया। अब देखो मुंबई क्या करोगे, मुंबई को तीर को घिंचो पीछे में, तो एक नंबर है, ठीक है, तो इसके कर दो क्या भाई, अपना कर लेना हिंदी में, ठीक है। मुंबई तो इंडिया मतलब भारत, ठीक है, भारत। ऑफ मतलब का, बिग सिटी, बिग सिटी मतलब बड़ा शहर, बड़ा शहर। इज मतलब है। अब देखो किस किस को भाई ये चीज़ किस किस को अभी तक नहीं सीखा था, बताओ इंग्लिश कितनी आसान होता है साथियों। बहुत कुछ तो मैं इस वाले में सीख ला दूंगा, एकदम धुआंधार आप इंग्लिश से हिंदी करोगे। ये तो छोटा सा भी चीज़ नमूना पेश हूँ आपके सामने, नमूना है ये चीज़ आपके सामने, नमूना है कि भाई धुआंधार क्लासेस ला सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट बनाए रखे। बताओ मुंबई भारत का बड़ा शहर है, अभी तक आपको आज के पहले कभी आता था आपको इस तरह से बनाने, आज तक आपको कभी आता था इस तरह से ट्रांसलेशन करने, मुझे कमेंट करके बताओ साथियों। अगर न्यू हो तो फटाफट इसे शेयर करो, अभी भी शेयर करो, क्योंकि हर चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना, समझ गए। कैसे कैसे तीर चलाए हम लोगों ने, तीर चलाया वहाँ पर पहुँचाया, ये चीज़ें भी बहुत चीज़ें ट्रांसलेशन के भी कहोगे ना, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि बहुत सारे बंदे बच्चे को ना, स्टूडेंट ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब मैं बताऊँ आपको, हम जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं बताऊँ अपने स्टूडेंट के बारे में, कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी होते थे ना, तो वो कमेंट करते सर मुझे हिंदी सिंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है। तो सारी चीज़ों को कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि मैं खुद पर फॉर्मूला है, क्योंकि तीर वाला ऐसी चीज़ वाला यूट्यूब पर खो जाना कोई नहीं समझा। आ जाओ अब देखो यहाँ पर हम लोग नाउन पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने सीरीज जो कर रही है अनकाउंटेबल काउंटेबल को पहचानना। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन दिख जाए, क्या चीज प्रीपोजिशन दिख जाए, राइट साइड क्या होती है नाउन, इसके राइट साइड क्या है ये इंडिया, ये क्या हो जाएगा आपके साथ नाउन। अब बताना ये नाउन में कैसा है, भारत कंट्री का एक्चुअल नाम है, उसके लिए खास है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, पर्टिकुलर है, अपने आप में यूनिक है, भारत हर जैसा कोई देश नहीं है, ये अपने अपने यूनिक है, ये प्रॉपर नाउन जाएगा इंडिया। चलो एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया कि इसके ठीक पहले ये तो नाउन होगा, ये तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा। देखो तो यहाँ पे इतना ही तो वर्ब है ना, क्या हो जाएगा सर, नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आ जाओ इसका व्यवस्था है, मुंबई, मुंबई नाम से ही शहर है, इसमें क्या लॉजिक लगाना, वैसे बाय द वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन ही होता है मुंबई, अभी आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हुआ भाई, इसमें किसी को दिक्कत हुआ, और ट्रांसलेशन भी सीख गए ना, बताओ ट्रांसलेशन सीखे ना आप सर। चलो बहुत हम क्या हंस रहे हैं, आ जाओ आई थिंक मैं क्वेश्चन पूछ कह रहे देयर इज ए मिल्क बाउ, क्या क्वेश्चन, देयर इज मिल्क, एक ऐसे आ सकता है भाई, देयर इज मिल्क होगा, देयर आर होना है, तो कह रहा हूँ देयर आर मिल्क, देयर आर मिल्क फ्रॉम राइस ब्रेड ब्रेड
एंड ऑरेंज एंड ऑरेंज ऑन द टेबल। आ जाओ, कह रहा है कि टेबल पे, देयर इज टेबल पे दूध चावल रोटी एंड संतरा रखा है टेबल पे। देयर यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, देयर के अनुसार यहाँ पे आर नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर के यूज कर देते। देयर डमी सब्जेक्ट है, सबको बताया था ना मैंने, तो वीडियो देख भाई, पीछे वाला वीडियो देख लें तभी समझ में आएगा सारे काम। अब देखो, ये देखो यहाँ पे मिल्क, मिल्क भाई अनकाउंटेबल, गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब अनकाउंटेबल, इवन मतलब अनकाउंटेबल, सी मतलब लिखो सी एन काउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, राइस इवन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ब्रेड भाई ब्रेड को गिनते नहीं हो, उसको पीस को गिनते हो, वन पीस ब्रेड, टू पीस ब्रेड, थ्री पीस, तीन रोटियाँ, चार रोटियाँ, भाई ब्रेड को नहीं गिनते, ब्रेड भी अनकाउंटेबल मानते, तो ब्रेड क्या हो जाएगा आपके साथ, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब आ जाओ ऑरेंज, क्या साथियों आपका ऑरेंज है, इसके बाद क्या है साथियों आपका, बताओ साथियों क्या है, ऑरेंज है, बताओ साथियों आपका ऑरेंज क्या हो जाएगा भाई, ऑरेंज फल का सामान है, मैं गिन सकता हूँ ना भाई, ऑरेंज काउंटेबल है यार। चलो ये टेबल, टेबल बताओ क्या है, टेबल बताओ जल्दी से, टेबल क्या है यहाँ पे, अरे साथियों टेबल को गिनते नहीं हो, काउंटेबल है यार, काउंटेबल है, ठीक है, समझ गए, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे बच्चे। देखो मिल्क भी अनकाउंटेबल, राइस भी अनकाउंटेबल, ब्रेड भी अनकाउंटेबल, ऑरेंज काउंटेबल, टेबल काउंटेबल, यहाँ तक किसी को दिक्कत है साथियों बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, सही है ना। आ जाओ छठे नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए वीक हैज सेवन डेज, एक सप्ताह में सात दिन होते, ए वीक, ए वीक हैज होना चाहिए ना, हाँ ए वीक हैज सेवन डेज, एक सप्ताह में सात दिन होते। अब देखो आर्टिकल है नाउन होगा, और वीक बताओ, वीक को गिन सकते हैं कि नहीं, वीक किसे बोलते हो साथी, ये कलेक्टिव नाउन है, कैसे कलेक्टिव है भाई, संडे लेकर के, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन सबको मिला करके एक वर्ड देते हो वीक, सॉरी वीक, और वीक का मतलब होता है सप्ताह, इसके सब इन सब का संग्रह ही ना हुआ वीक, क्योंकि तो साथी काउंटेबल ही होगा ना, गिन सकते हो ना, गिन सकते हो साथियों, गिनने की गिन सकते हो, तो वीक क्या हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे, हाँ जब गिन सकते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें सोचिए ना, के बाद ये काउंटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल। आ जाओ सेवन आपका नाउन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सेवन भी कर दिए हो, कर भी रहे कमेंट बहुत सारे, सेवन आपका साथियों एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी को बता रहे, डेज, डेज को गिन सकते हैं भाई, दो दिन, चार दिन, दिन को गिन सकते, तभी तो न्यूमेरिकल वर्ड लगा था, नंबर वाला वर्ड लगा था, डेज आपका क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल हो जाएगा। यहाँ तो किसी को परेशानी हुआ नहीं हो रहा है ना भाई, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, सातवें नंबर तो ना आपका डाउट सेशन रखेंगे, डाउट में अपना डाउट पूछो, ठीक है। सातवें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि देयर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक इन द क्लास। अब देखो मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन के पहले फाइंड, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस आपको, एकदम पूरा जानते हो सेंटेंस के बारे में, कुछ नहीं करो, प्रीपोजिशन फाइंड करो, यहाँ पर आपके इन भी एक प्रीपोजिशन है। और एक चीज़ आपको याद रखना, जब यहाँ पे लगाओगे हु, कौन क्लास में पढ़ता है, तो विद्यार्थी का आंसर आ रहा है विद्यार्थी, जैसे ही भारत में क्वेश्चन लगाई हु और इसका आंसर आ रहा है विद्यार्थी, तो आपका जब मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होता है, आंसर जो आता है सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका नाउन, अगर पता करेंगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, यही पता। आ जाओ मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या होता है साथियों, नाउन होता है,
तो वो बात क्लियर होगा। लेकिन प्रीपोजिशन में जस्ट पीछे भी है, यहाँ भी हम देख रहे हैं बुक कि ना ही वर्ब है ना ही सॉरी एडजेक्टिव है, तो है तो क्या है, ना एडजेक्टिव है ना वर्ब है, तो है तो है नाउन ही होगा ना, क्योंकि तीन ही हो सकते हैं प्रीपोजिशन के पहले, या तो नाउन हो सकते हैं तो वर्ब हो सकते हैं तो एडजेक्टिव हो सकते हैं, समझ रहे हो ना भाई। साथियों करो यहाँ पर लॉजिकल चीज़ सीखो, अभी बुक में भी नहीं मिलते सारे चीज़ कंसेप्ट भाई, प्रैक्टिस कर करके मैं ये सब गेन किया हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस है अपनी खुद की, और भाई पढ़ोगे आगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा अच्छा ये नाउन है बार बार क्यों आ रहा है। मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ कि कभी दिक्कत ना हो आपको, रट्टों को तो सोचिए फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। अब बताओ मैग्नीट्यूड नाउन होता है, ट्यूशन नाउन होता है, भाई अब ट्यूशन नहीं होता है, इमेजिनेशन नाउन होता है, किंगडम नाउन होता है, बताओ कैसे पहचानते भाई, क्या किसी का नाम तो नहीं, इलनेस बीमारी, वो सब आपको पहचानने कैसे पड़ेंगे, या तो प्रीपोजिशन पहचानोगे या तो एंड वाला से पहचानोगे, छोटे मोटे चीज़ कॉन्सेप्ट होते हैं। एक क्लास क्या होता है, एक स्टूडेंट दो मतलब कुछ स्टूडेंटों को मिला करके एक क्लास बनाया जाता है भाई, माहौल कैसे क्लास का बनते हैं, तो क्लास का मतलब क्या, वो पढ़ाई करने वाला जगह, और वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट होंगे ना, स्टूडेंटों का संग्रह जो होता है वो क्लास होता है। अब बताना क्लास को गिन नहीं सकते हो, स्कूल में आठ क्लास होता है, पाँच क्लास तक होता है, एक क्लास दो क्लास तीन चार पाँच, तो काउंट करते हो ना, काउंट करते हो तो एक क्लास भी अपने साथ में क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ठीक हो भाई, दिक्कत हो रहा तो बताना सर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। आ जाओ बुक को नहीं गिनते हो, नहीं गिनते, किसने बोला था बुक को नहीं गिन सकते, गिन सकते, गिनने की जरूरत पड़ता है तभी तो हम कहते ना चार बजे बुक लेके जाना है इसको, और कहते ना हम लोग दोस्त के साथ आज हम लोग को फिजिक्स भी ले जाना है, केमिस्ट्री भी ले जाना है, मैथ भी ले जाना है, बायो भी ले जाना है, इंग्लिश भी ले जाना है, इस तरह से आप बुक को भी गिनते हो, ठीक है, तो बुक भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आ जाओ स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में गिन सकते हैं, कहते हैं जैसे पाँच छः लड़के होंगे, दस लड़के, तो कहेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु मेक ए नॉइज, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शोरगुल कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से स्टूडेंट भी आपको क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, क्या वहाँ पे लड़के होंगे दस पंद्रह, गिन नहीं सकते, गिन सकते, गिनने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो उनके ऊपर कहीं FIR या कुछ दर्ज होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट को काउंट किया जाता है, उस परिस्थिति स्टूडेंट को गिनते हुए, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं क्लास में बैठे तो वहाँ पे सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए रोल नंबर, ए रोल नंबर टू, वहाँ पे स्टूडेंट ही का रोल नंबर होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अनुसार तो रोल नंबर फिट किया जाता है, तो स्टूडेंट भी आपका तो साथ ही काउंट करते हैं ना वहाँ पे, तो काउंटेबल ही होगा भाई। दिक्कत हो तो कमेंट करने का, चैटिंग नहीं करने का, समझ ना, चैटिंग बहुत सारे कर लो अपने में, ठीक है, ये गलत बात है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ो और कंसेप्ट पूछो भाई, आपस में बात करोगे तो भाई वो भी तो खुद पढ़ रहे हो, आपको क्या बताएंगे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगा तो हम लोग ट्राई करेंगे आपको बेहतर कुछ बताने का, ताकि आपको हम समझ पाएंगे एक्चुअल आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, फिर स्टूडेंट भी आपके क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और आप इस चीज़ को फटाफट अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी सारे जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ लेवल तक में जो उसके नीचे भी ले लो, सारे स्कूलों में यही सब रहते हैं, और ये सब सीख जाओगे ना साथियों, फिर आपको जो बोलते हैं ना ट्रांसलेशन से हिंदी से इंग्लिश करना हलवा हो जाएगा, तो ना हलवा कर दोगे, हलवा कर कर लोगे, और उसके सीरीज भी लाऊंगा बहुत जल्द, लेकिन ये चीज़ समझो, कर लिए नोट डाउन, नोट डाउन कर लिए ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, स्क्रीन शॉट भी ले लेना बाई डे, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन स्क्रीन शॉट लोगे तो ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन में, और साथियों मैं एक बात बताना चाहूँ कि अपने ये जो सेशंस है ना, अगर लगता होगा थोड़ा बहुत भी लगता होगा, मतलब थोड़ी सी की बात करूँ, इतनी सी भी लगता होगा ना, हाँ मैं जो चीज़ नहीं जानता था यहाँ पे कुछ चीज़ें जाना आप ना, मैं सही बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड करूँ, क्योंकि वो सीख जाएंगे ना तो आपके एक माहौल क्रिएट होंगे, और माहौल क्रिएट होंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे कुछ भी चीज़ बात करेंगे वो आपके मतलब बातों को नहीं काटे, क्योंकि वो जान रहे होंगे हाँ ये ऐसे होता है, समझ रहे हो ना, और माहौल क्रिएट करोगे और बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आप मतलब बेहतर कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सभी को बताना है कि हाँ ऑक्सफर्ड जो जूनियर का है ना वो इसकी सोल्यूशन हम पूरी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, चलो तो नोट डाउन तो कर लें, फेयर भी बना लेना, ठीक है, फेयर बनाओगे क्योंकि अपने नोट्स दुनिया की सबसे बेहतरीन नोट्स होती है, समझ रहे ना, खुद से मैं भी नोट्स बनाता हूँ,
बाय द वे आपको पीडीएफ तो मिलेंगी, ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। आ जाइए आठवें नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि चिल्ड्रेन हैव ऑनेस्टी। आठवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रेन हैव ऑनेस्टी। अब मुझे बताना यहाँ पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कैपिटल लेटर का यूज यानी कि बड़े अक्षर की यूज करनी नहीं आता है। छोटी अक्षर के तो कोई भी यूज कर लेता है भाई, कहीं भी सब छोटी ही आता है, लेकिन बड़ा कैपिटल लेटर की यूज करने किस किस को नहीं आता है, जल्दी जल्दी बता दो साथी भाई। जिस जिसको नहीं आ रहा है ना सभी को कमेंट करना भाई कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो ग्रामर सेक्शन में, कैपिटल लेटर समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी उसकी रोल है ग्रामर सेक्शन, ग्रामर की दुनिया, वो चीज़ें कमेंट कर देना किस किस को यूज करने नहीं आता। आ जाओ यहाँ पे समझो, चिल्ड्रन हैव ऑनेस्टी, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है सब्जेक्ट, किसका किसके पास ऑनेस्टी होते हैं, किसके पास ऑनेस्टी है, किसके पास ईमानदारी है, तो बच्चे के पास, वो क्या आंसर आया, बच्चे के पास क्या है, जैसे मैंने इसमें लगाया व्हाट लगाया, बच्चे के पास क्या है ईमानदारी, यहाँ पे व्हाट का जो आंसर आया ऑनेस्टी ऑब्जेक्ट है। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, या तो नाउन होगा या तो सिमिलर टू नाउन होगा, और जिस विद्यार्थी को सिमिलर टू नाउन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो मेरा पिछले की क्लास सारे देख लूँगा तब जाके समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में सिमिलर टू नाउन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ चिल्ड्रेन, बच्चे, जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं यानी कि 5-10 बच्चे हैं तो वहाँ पे हम चिल्ड्रन के यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के यूज करते हैं चिल्ड्रन। और ये आपको प्लूरल फॉर्म कैसे है ये नंबर तो पढ़ोगे, नंबर पढ़ाऊंगा साथ आप सबको, जब आपको नंबर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पता चलेगा, जैसे ऑक्स का ऑक्शन करते हैं, मैन का मेन करते हैं, एस नहीं लगाते इसमें, चाइल्ड का चिल्ड्रन, यानी कि इसमें कुछ वोवेल लेटर में चेंजिंग करके प्लूरल बना जाता है, ये ऐसा रूल में यहाँ पर देखो चिल्ड्रन को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते साथी हो, 5-6-7 लड़के हो बच्चे हो और वो हल्ला कर रहे हो, तो बोलते हैं ना कि उस टोला के लड़के उस टोले के बच्चे बहुत बदमाश है, तो बच्चे यानी 5-6 बच्चे आए होंगे, आम उम का सीजन होगा तोड़ रहे होंगे, तो व्यक्ति बोल रहा होगा तो बच्चे कुछ समय गिन सकते हैं ना, 5-6 बच्चे थे चिल्ड्रन में गिन सकते हैं ना, तो वहाँ पे ये चिल्ड्रन क्या था आपका काउंटेबल। देखो साथ में एग्जाम्पल देने के लिए रिलेट करता क्यों, क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना वो किसी चीज़ों का कहानियों से बहुत अट्रैक्ट होता है, समझ रहे, कोई चीज़ों से बहुत जल्दी सीख पाते हो, इसी में एग्जाम्पल अलग अलग तरह से मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। आज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, बताओ ऑनेस्टी ईमानदारी, बताओ कौन कौन सा बच्चा है जो ईमानदारी को गिनता है अभी तक, भाई ईमानदारी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, ईमानदारी हम लोग फील करते हैं, ईमानदारी को क्या करते हैं हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ ये जो बच्चा है बहुत ईमानदार है। जो ऑनेस्टी वर्ड है ना, ये नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने बताया था आपको कि नाउन को कैसे 5 सेकंड में पहचाने, जो कि 5वां नंबर यानी कि डेप 5 में बताया था, इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, वहाँ पर नाउन को विदिन कैसे सेकंड में पहचाने, उस वीडियो में मैंने इस वाले को सबको करवाया था ऑनेस्टी, ठीक है, ब्यूटी कैसे नाउन होता है, ठीक है, ड्यूटी भी नाउन होती है, वो सब चीज़ बताया था, यहाँ पे ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, समझ रहे हो ना, अनकाउंटेबल हो जाएगा। आज और 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहे कि द गंगा इज ए रिवर, आ जाओ यहाँ पे देख लो 9 नंबर क्वेश्चन, द गंगेज द गंगेज इज ए रिवर। अब देखो गंगा को जो हम लेटर कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, दिमाग में घुसा लो, प्रोपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल से होगा, प्रोपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन नदी के नाम के साथ, किसी बड़े इमारत के नाम के साथ, किसी पर्वत के नाम के साथ आर्टिकल दाव का यूज करते हैं, 5% ऐसे केसों के जहाँ करते हैं, पता है नदी का नाम ही तो गंगा है ना, इसलिए आर्टिकल दाव है, समझ गए ना, अब देखो आर्टिकल है तो नाउन होगा,
भाई अलग अलग फॉर्म से पहचानने के लिए। यहाँ पे द गंगा क्या हो जाएगा, गंगेज नाउन हो जाएगा, रिवर नाउन हो जाएगा, रिवर को काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल हो जाएगा, और गंगा किसी नदी का खास नाम है, ये आपका प्रॉपर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज ये 10वां नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कह रहा है कि आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे पास अपने दोस्त के लिए प्यार है, अब बताना, अब बताना मुझे, मेरे पास कलम है, क्या नाउन है, मेरे पास प्यार है, यानी कि जो हमारे अंदर का जो प्यार है फीलिंग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसे नाउन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लव होगा। देखो ये जो हैव है ना, हैव पोसेशन में दर्शाता है, यानी कि अधिकार वाला चीज, और अधिकार किस पे दर्शा सकते हो बताओ, किसी नाउन पे ही दर्शा सकते हो ना अपने अधिकार। मेरे भाई समझो, जो अधिकार होता है किसी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा सकते हो, आप अपने आपके पिताजी पर अधिकार है, पिताजी का आप पे अधिकार है, अपने आपके जो साइकिल यूज करते हो उस पर अधिकार है, नाउन ही ना हुए सब। तो जो चीज पर अधिकार होता है बताओ, हैव के यूज करते हैं पोसेशन के लिए, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, कि मेरा हक हो भाई, आपके ऊपर मम्मी का हक है, आपको पीटेंगे, अधिकार है। उसी तरह हैव का जब हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पे लव को वर्ब नहीं कर देना भाई, भाई सही बताऊँ ना, तो बात नहीं बोला, 30% यूट्यूब लोग इसको लव को वर्ब ही मानता है, लेकिन जब इसे जेन्युइन तरीके से सोचने को प्रयास करोगे बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भाई सारे की नहीं बात, मैं जो इस बुक का सोल्यूशन कराते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो लव है ना नाउन होंगे, क्योंकि अधिकार साथी वो आप किसी न किसी नाउन पे ही जमाते हैं, जैसे मेरे इसके ऊपर अधिकार है, आई हैव ए पेन, पेन क्या है, मेरे पास इसका अधिकार है, मेरे पास कलम है, तो कलम क्या नाउन है, मेरे पास कपड़े हैं, तो कपड़ा क्या नाउन है साथियों, समझ लो ना, मेरे पास बाल हैं, आई हैव ए हेयर, समझ लो, हेयर क्या है बाल, और बाल क्या नाउन है, साथियों नाउन पे अधिकार होता है, इसलिए तो लव है ना, लव यहाँ भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और लव किस कैटेगरी से आएगा, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने शुरुआत में बताया था अनकाउंटेबल में आता है, वो लव को गिनते नहीं है लेकिन नाउन है, और लव कभी कभी आपका हब भी होता है, मतलब जैसे हम लोग वॉक से वॉकिंग में, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग वहाँ पर नाउन था, ऐसा हर्ब था लेकिन एक्ट कैसा कर रहा था, नाउन के जैसा काम कर रहा था, वैसे ही लव एक्चुअल में हर्ब है लेकिन इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, नाउन का, चीज़ों को समझना होगा, उसका रोल क्या क्या अदा कर रहा है। अरे वो फिल्म देखो ना कर्ण अर्जुन, बस सॉरी वो जिसमें डबल रोल रहता है, तो वो एक इस चीज़ का भी रोल निभाता है, एक इस चीज़ का भी रोल निभाता है, वैसे यहाँ पर लव जो है ना इस कैटेगरी इस सेंटेंस में नाउन का रोल अदा कर रहा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, चलो ये दिक्कत कन्फ्यूजन निकल जाना चाहिए। अब देखो फॉर, और आपका क्या है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया प्रीपोजिशन का राइट साइड, राइट साइड में जो होता है नाउन होता है, आ जाओ ये जो फ्रेंड है आपका नाउन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा काउंट। अब दूसरा तरीका समझो, माई, माई इज हर, समझ लो ना, योर होगा साथ होगा, ये जो सभी जो वर्ड होते हैं ना उसके बाद जब भी कोई वर्ड आता है नाउन ही आता है, योर पेन इज रेड, योर पेन क्या, पेन क्या नाउन है, योर फादर इज रेड, फादर क्या नाउन है, माई मदर, माई पेन, माई हाउस, माई लैंड, जितने भी माई के साथ कुछ भी यूज करते हो, हर के साथ, हिज के साथ, क्योंकि आने वाला जस्ट बाद जो वर्ड होता है वो नाउन ही होता है, तरीके से भी माई के बाद क्या है फ्रेंड, नाउन होगा साथियों, तरीके हजार हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सीखना चाहो तब ना, पेशेंस देखो भाई, पेशेंस बहुत जरूरी होता है विद्यार्थी जीवन में, अरे बना के रखोगे सारे चीज़ समझोगे, यही बना के रखोगे बढ़ाओगे फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो ना, एक बार में सारे चीज़ नहीं मिल जाते, लेकिन पेशेंस रखोगे सारे चीज़ मिल, सारे चीज़ सीखोगे, तो आपका लव कैसा हो जाएगा साथियों, लव हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल, हम कैसा अनकाउंटेबल, हम
और ये फ्रेंड्स कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। समझ गए, आ जाइए। कितने नंबर क्वेश्चन था? 10 नंबर। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अरे कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, राइट। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। समझ गए, ये जो कुर्सी है इसका मतलब यहाँ पे यह यूज नहीं किया सकती, कॉन्टेस्ट समझना होगा। ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, ये बॉयज का क्वेश्चन है, ठीक है, बॉयज का पार्ट है, समझना, बनी हुई है। आ जाओ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। देखो मैंने एक चीज समझाया था कि मेटेरियल नाउन अगर सिंगल वर्ड में दिया हो, सिर्फ वर्ड वर्ड में दिया हो तो वो तो मेटेरियल होगा, लेकिन जब किसी सेंटेंस में मटेरियल नाउन को यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज मटेरियल नाउन करते हैं, तब तक मटेरियल नहीं होगा जब तक कि इससे और चीज़ों का निर्माण ना हो जाए। समझ लो ना, अगर सिंगल फॉर्म आ गया, सिर्फ पूछ रहा गोल्ड, तब तो सही है, गोल्ड वहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया सिल्वर, सिल्वर आपका मटेरियल हो जाएगा, लेकिन समझो किसी सेंटेंस में दिया हो, किसी सेंटेंस में दिया हो लिख करके गोल्ड, अगर सेंटेंस में इनबिल्ड हो तब वहाँ पे वो चीज़ से इसमें किसी चीज़ का निर्माण हुआ होगा, तभी वो वर्ड मैटेरियल नाउन कहलाएगा। समझ लो ना, यहाँ भी वुड क्या था, चेयर बनाया गया है वुड से, ये मैटेरियल नाउन होगा। अगर ऐसे रहता, वुड सिर्फ रहता शुरुआत में, तो वो मैटेरियल नहीं होगा। समझ गए कंसेप्ट, समझ आ जाओ। ये जो वर्ड होते हैं दिस, समझ लो ना, दिस डैट दिस दूच, समझ लो ये चार वर्ड समझो, और कुछ वर्ड होते हैं तो दिस डैट दिस एंड दूच, समझ लो ना। इनके बाद अगर वर्ब ना आए और कोई वर्ड दूसरा आता है, यानी कि इनके जस्ट बाद कोई वर्ब ना आए, यानी कि वर्ब कहने की एग्जेक्टिव फॉर्म मेन वर्ब एग्जेक्टिव फॉर्म ना आए और इसके ठीक इसके जस्ट बाद कोई वर्ड आता है, तो वो वर्ड याद रखना, ये पूरे भाई खोजना कहीं नहीं मिलेगा, 88% नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, दिज एप्पल्स, दिज एप्पल्स, दिज पेन्स, दिज काउच, दिस दिस बॉय, दैट बॉय, दैट गर्ल, दिस काउ, दैट काउ, गर्ल, बॉय, पेन्स, क्या थे नाउन ही तो थे साथियों। तो हम क्या क्या रहे समझना, बारीकी से बातों को समझोगे सुनोगे तो समझोगे। दिस के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, लेकिन दिस के बाद कोई वर्ब के अलावा कोई और दूसरा वर्ड आए, ठीक है, कह रहा हूँ कि दिस रहेगा और ये जो वर्ब है वर्ब ना आए, कोई दूसरा वर्ड है, वो जो दूसरा वर्ड होता है वो नाउन ही होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो दिस के बाद कोई वर्ब है नहीं है, दिस के बाद कोई वर्ब यहाँ पे है, लेकिन इसके ठीक बाद कोई वर्ड है, दिस के बाद कोई वर्ड है, तो ये जो वर्ड हो जाएगा ये नाउन ही होगा। तो समझे ना, नाउन को हजारों तरीके से दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस में पता नहीं, लेकिन काम ये करना होगा साथियों, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बताने में, और तो आपको करने के सेशन में शेयर करना ताकि सभी बच्चे सीख, बहुत सारे बच्चे सीख पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन सब कंसेप्ट से वंचित रह चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ कारणों से वंचित है, तो उन्हें भी सिखाओ ये चीज़ें, ठीक है। आ जाओ, वुड, वुड अब क्या हो जाएगा यहाँ पर मटेरियल, और मैंने बताया मटेरियल और वस्तु को किस कैटेगरी में रखेंगे, अनकाउंटेबल में। वुड क्या हो जाएगा साथियों, अनकाउंटेबल, और चेयर क्या हो जाएगा साथियों आपका, काउंटेबल। समझ में आया, समझ में आ गया ना, चलो 12 नंबर तक हो गया। आ जाओ 13 नंबर को, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लिटिल गर्ल हैज नो फियर, द लिटिल गर्ल हैज बोलना चाहिए, द लिटिल गर्ल हैज नो फियर। छोटी बच्ची होती है ना, उनके पास कोई डर नहीं है, द लिटिल गर्ल हैज नो फियर, उसके पास कोई डर ही नहीं है। अच्छा, ये जो फियर है ना साथियों, हैज नो फियर, फियर नाउन है, बताऊंगा कैसे। आ जाओ यहाँ पे गर्ल, द लिटिल गर्ल, गर्ल क्या आपको सबसे काउंटेबल नाउन है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फियर कैसे, अभी मैंने जस्ट पहले लव वाला सेंटेंस से बताया था, लव वाला सेंटेंस जो उसके पहले पढ़े थे, कहाँ जाइए, हैज हैव, हैव का मतलब होता है पोसेशन, यानी कि उसके पास
तो फ्यूअर भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और एक ऐसा नाउन होगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन को किस कैटेगरी में रखते हैं, अनकाउंटेबल। ये भी क्या हो जाएगा साथियों, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, आ जाओ। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस, कह रहा है कि ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस। समझ रहे हो ना, ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस। साथियों कमेंट करते रहो बट पढ़ते भी रहो, ठीक है। कमेंट ही सिर्फ नहीं करना है बट हाई भी करना है। तो वो कह रहा है ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस। अब देखो ये जो एंड है ना, समझो कंसेप्ट, समझो यहाँ पे कंसेप्ट है। एंड से जब दो वर्ड जुड़े हो, ये एंड है, ये क्या है एंड, और एंड के इधर भी वर्ड हो और एंड के इधर भी वर्ड हो, तो मोस्टली 70% केस में देखा जाता है, 70% नॉट 100%। भाई मेरे को ब्लेम नहीं करना भाई, मैं 30% की बात भाई छिपा दे रहा हूँ, लेकिन 70% केस तो जो वर्ड होते हैं वो नाउन ही होते। एंड के बाएं साइड, एंड के दहिने साइड जो वर्ड होते हैं 70% केस में, कुछ ऐसे केसेस होते नहीं होते, वो जो होता है नाउन ही होता। देखो यहाँ पे काइंडनेस, काइंडनेस क्या साथियों नाउन है, ग्रेटनेस नाउन है, कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी क्या है अनकाउंटेबल यूएन है, ये भी यूएन हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कह रहे हैं आवर आर्मी शो ग्रेट कॉरेज इन द बैटल लास्ट ईयर, आवर आर्मी शो ग्रेट, 15 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। आवर आर्मी, आवर आर्मी शो तो द तो ग्रेट कॉरेज, सॉरी सो ग्रेट ग्रेट कॉरेज कॉरेज इन द लास्ट, इन द बैटल लास्ट ईयर, इन द बैटल लास्ट। देखो भाई इतने बड़े सेंटेंस है, हाथ से लेकर यहाँ इसमें नाउन कैसे पहचाने को, देखो मैंने आपको बता रहा था ना बी का पोसेसिव जो होता है आवर होता है, जैसे हिज होता है माई होता है ना, उसी कैटेगरी में आवर मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन समझो आवर के बाद जब भी आएगा नाउन, ये आर्मी क्या हो जाएगा साथ ही आपका नाउन, और आर्मी आपका कलेक्टिव होता है, आर्मी क्या हो जाएगा काउंटेबल नाउन। चलो तो इन आगे यहाँ पर इनके आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है नाउन आता है, तो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव पे ये रहा नाउन हो जाएगा ये। ये क्या करेज क्या है नाउन, और एक कैसा नाउन है अनकाउंटेबल, क्योंकि करेज को हम लोग करेज को देख सकते। अच्छा बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, बैटल मतलब होता है सिर्फ युद्ध, और युद्ध को डूब सकते हैं एक युद्ध हुआ था, दो बार कितने बार युद्ध हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा बैटल काउंटेबल हो जाएगा, और ईयर को भी गिनते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों काउंटेबल नाउन हो जाएगा। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना साथियों आप सभी को, समझ में आ रहे होंगे तो सेशन को शेयर करने का, समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर करने का। अजय 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हिज सन इज द कैप्टन ऑफ द टीम, हिज सन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिज सन इज द कैप्टन, कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। कह रहा है कि हिज सन इज द कैप्टन, कैप्टन ऑफ द टीम। अब देखो हिज आ गया, हिज के बाद जो आएगा वो नाउन होगा, कंसेप्ट मैंने सारे से बताया हूँ कि हिज के बाद जो आएगा, समझ गया, इज को कुछ करना नहीं है, ऑफ, ऑफ के पहले है ये भी नाउन ही होगा, ऑफ के बाद एक वर्ड है टीम ये भी नाउन होगा। अब देखो कैप्टन,
भाई कैप्टन को तो गिन सकते हो ना, महेंद्र सिंह भी धोनी बना था कैप्टन एक बार, इंडिया में भी कैप्टन होता है, श्रीलंका में कैप्टन तो वेस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है भाई, इतनी मैं क्रिकेट नहीं रखता हूँ, बट ये रखना कैप्टन सब जगह होता है, कैप्टन को क्या कर सकते हो काउंट टेबल में रख सकते हो, काउंट कर सकते हो। देखो टीम भाई इंडिया के पास, इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टीम, भाई किम को भी तो गिन सकते हो साथियों, ये भी कब तक क्या है काउंटेबल होगी, काउंटेबल होगा ठीक है। और सन तो भाई सन को तो गिन नहीं सकते ना, इसमें कोई दिक्कत है भाई क्या भाई, घर में चार लड़के होंगे रमेश जी की, भाई रमेश जी एक आदमी होंगे, उनके चार लड़के होंगे भाई, तो चार लड़के गिन तो रहे हैं भाई लड़कियों को, ये भी काउंटेबल ही होगा ना साथियों। इससे आप नोट जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं आप लोगों का कमेंट देख लेगा, जल्दी करो जल्दी जल्दी नोट करो, चार क्वेश्चन और है, चार क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को मिस नहीं करना ठीक है। नोट डाउन कर लिया सभी साथियों, चार क्वेश्चंस बाकी हैं, अब इसके बाद करेंगे ठीक है साथियों, आ जाओ। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करना साथियों ठीक है। आ जाओ इसके बाद 16 नंबर हो गया ना, 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। देखो 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद भी नाउन आएगा, ऑफ के पहले भी आएगा, तो म्यूजिक क्या हो जाएगा आपके साथ नाउन, और म्यूजिक को महसूस कर देती है कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, इंडिया को प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई आपको प्रोनाउन है, करना ही नहीं। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। साथियों सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं ठीक है आपके साथियों, दो से चार मिनट और दो सारे फिनिश, और एक आध कंसेप्ट होंगे बता देंगे ठीक है। टाइम वैसे मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा हो चुका है, 17 के बाद 18 नंबर। हाँ कह रहे द भागवत गीता, द भागवत गीता एंड द रामायण, एंड रामायण मत लिखो, रामायण लिखो, आर होली बुक्स। अब देखो यानी कि द भागवत गीता एंड द रामायण, मैंने एक चीज बताना भूल गया था, ग्रंथ का नाम के नाम के पहले भी आर्टिकल लगता है प्रॉपर नाउन में, ग्रंथ का ही तो नाम है। देखो द भागवत गीता एंड से जुड़ जाए, मैंने बताया था एंड के पहले और बाद में जो नाउन होते हैं ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हो तो वो भी नाउन होते हैं, यहाँ पे बुक्स भी क्या हो जाएगा साथियों को नाउन, ये बुक्स कैसा हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये भी क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कहीं तक नहीं। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था 19 नंबर, कह रहा है माई फ्रेंड डज नॉट टेक कॉफी और टी इन द मॉर्निंग, माई फ्रेंड डज नॉट टेक कॉफी और टी, ओ डबल एफ सी ओ कॉफी और टी इन द मॉर्निंग, आ जाओ तीन है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होगा साथ नाउन नहीं होगा, तो जो मॉर्निंग होगा आपका काउंटेबल है, समझ रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग के बारे में नहीं जानते हैं, मॉर्निंग काउंट मॉर्निंग अपेस्टिक नाउन है, क्योंकि मॉर्निंग को हम लोग देखते नहीं महसूस करते हैं कि मॉर्निंग भी आपका नाउन है, तो कैसे आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। आ जाओ टी, टी क्या है आपको, टी क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म होता है मटेरियल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल है, कॉफी भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, फ्रेंड
माई है, माई के बाद कोई भी वर्ड आता है तो क्या होता है, नाउन होता है। फ्रेंड को गिन सकते हैं, क्या हो जाएगा साथियों, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। फ्रेंड आपका क्या साथी, काउंटेबल कॉफी टी अनकाउंटेबल, और मॉर्निंग भी साथ आपको अनकाउंटेबल, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते मॉर्निंग नाउन भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भाई फिक्स है, इन आ रहा है, बाद में उसका आर्टिकल द भी लगा तो वो नाउन ही होगा। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा ये भी। कह रहा है कि ही हैज बीन ए गुड सिंगर, he has been a good singer since his childhood. आप देखो कॉन्सेप्ट समझो, हिज आया तो हिज के बारे में बताया कि नाउन आएगा, तो चाइल्डहुड कैसा है, चाइल्डहुड को देख लीजिए तो अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल है, आर्टिकल के लिए कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, यहाँ पे आओगे तो गुड तो आपका एडजेक्टिव है तो ये नाउन हो जाएगा सिंगर, और सिंगर आपका पोजेशन वर्ब है कि सिंगर को गिन सकते हैं, ये आपका कैसे हो जाएगा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर नाउन लेगा। तो साथियों मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट वाइज नाउन को पहचानना, साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल, ये चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा। और ये सेशन में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इन सारी चीज़ों का अगर PDF चाहिए तो आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पे जा करके ज्वाइन करना होगा, सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे PVR स्टडी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सबको, PVR स्टडी, ये सर्च मारना PVR स्टडी, ठीक है साथियों, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।